दोस्तों एक्ट्रेस को उनकी एक्टिंग के लिए खूब सराहा जाता है और कुछ एक्ट्रेस तो आई तो एक्टिंग के लिए ही थी, पर वो उस करियर में सफल नहीं हो पाई और बोल्ड सीन के लिए जानी जाने लगी। जी हाँ, जिसकी वजह से वो बन गई इंडस्ट्री की शान। और दोस्तों आज मैं आपको बोल्ड सीन करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में ही बताऊंगी, सनी लियोनी। ये कुछ ऐसे ही कंटेंट की वजह से ज्यादा छाई हुई हैं। इन्होंने अडल्ट इंडस्ट्री छोड़कर इस इंडस्ट्री में आने का फैसला लिया था ताकि वो थोड़ा अपनी इमेज को सुधार पाएं। मगर वो इस इंडस्ट्री में वैसा ही काम करती हुई सामने आई। यहाँ वो बोल्ड फिल्में कर रही थी जैसे जिस्म 2 और इसी के साथ साथ रागिनी MMS जैसी फिल्में। लेकिन फिर उन्होंने ये ठान लिया कि वो अब इस तरह की फिल्में नहीं करेंगी। उन्होंने आइटम सॉन्ग्स भी किए और इसी के साथ साथ बॉलीवुड मतलब हिंदी इंडस्ट्री के अलावा और भी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और आने वाले वक्त में कुछ अच्छा करने की उनसे उम्मीद जताई जा रही है। पूनम पांडे, अब इन्हें एक्ट्रेस कहें या कुछ और, इसमें तो दर्शक कंफ्यूज ही हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बोल्ड कंटेंट के साथ अक्सर ही वो सोशल मीडिया पर सामने आती हैं। तो वहीं इन्होंने अपने बोल्ड कंटेंट को खुलकर सबके सामने लाने के लिए एक वेबसाइट भी रखी है। और आपको बता दें वो वेब सीरीज भी बहुत करती हैं और अक्सर ही वेब की शॉर्ट फिल्में भी लाती हैं जो सिर्फ और सिर्फ बोल्ड कंटेंट से भरी होती हैं। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने भी एक अच्छे कंटेंट में आने की कोशिश की और लोगों के सामने अपनी एक्टिंग दर्शाने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई और उन्होंने इस तरह के बोल्ड कंटेंट का सहारा लिया। उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई फिल्में की जैसे कि फिल्म नशा और हाल ही में उनकी शक्ति कपूर के साथ फिल्म कर्मा भी आई है। और ऐसे में वो फिल्म में एक्टिंग कम और बोल्डनेस ही ज्यादा दिखाएंगी। जरीन खान, ये सलमान खान के द्वारा आई थी और उन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। कैटरीना कैफ की हमशक्ल कही जाने वाली जरीन खान अब अपनी एक्टिंग करियर को ज्यादा नहीं उभार पाई तो उन्होंने भी बोल्डनेस का सहारा लिया। अक्सर 2, हेट स्टोरी और इसी के साथ साथ इन्होंने ना जाने कितनी फिल्में की जिसमें ये सिर्फ और सिर्फ बोल्ड सीन करते हुए दिखाई दी। उर्वशी रौतेला, इनका नाम सबसे लास्ट में आता है। इन्होंने कुछ ही गिनी चुनी फिल्में की होंगी मगर इन्होंने जो भी फिल्में की हैं उसमें इनकी बोल्डनेस तो नजर ही आई है, जैसे कि उनकी आखिरी फिल्म हेट स्टोरी 4 और ग्रैंड मस्ती। और इन फिल्मों में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बोल्ड कंटेंट दिखाकर दर्शकों को खूब इम्प्रेस किया है, मगर ये सिर्फ अपनी एक्टिंग की वजह से इम्प्रेस नहीं कर पाई हैं। और अगर वो एक्टिंग के दम पर आगे बढ़ पाएं तो दर्शक इसे जानकर काफी खुश होंगे। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सी एक्ट्रेस ज्यादा पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।